स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी मिक्सर में से कंपोनेंट्स को प्यूरीफाई कर सकते हैं। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम की सहायता से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी को कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी में हमें पता है दो फेज होती हैं, एक स्टेशनरी फेज और दूसरी मोबाइल फेज। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या था? जब हमने क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पढ़ा, वहाँ हमने देखा था इसका प्रिंसिपल ये एडजॉर्प्शन पर काम करती है। स्टेशनरी फेज इसमें क्या ली जाती है? सॉलिड। और मोबाइल फेज इसमें लिक्विड फॉर्म में होती है। ये मोबाइल फेजेस स्टेशनरी फेज पे जब रन होती है, मूव करती है, तो जो हमारा मिक्सर है उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इस स्टेशनरी फेज पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज अलग अलग हो सकती है। मोस्टली हम जैसे सिलिका यूज करते हैं, एलुमिना भी यूज करते हैं। दूसरा है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज भी हम जैसे एसिटिक एसिड हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, तो मोबाइल फेज भी अलग अलग हो सकती है, जिसे हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरी चीज इसमें और क्या होता है हमारे पास, मिक्सर होता है, सैंपल होता है, और उस सैंपल में बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हमें प्यूरीफाई करना होता है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें क्या होता है, एक कॉलम होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये नीचे से यहाँ नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस कॉलम में पहले हम क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज को इसमें भरते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉलम की पैकिंग करना। तो कॉलम की जो पैकिंग है वो दो टाइप से होती है, एक होती है वेट पैकिंग और दूसरी होती है ड्राई पैकिंग। ड्राई पैकिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास स्टेशनरी फेज सिलिका ले रहे हैं, तो सिलिका होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। उस सिलिका को, उस पाउडर को अगर हम सीधा इसमें पाउडर फॉर्म में ही डालते हैं तो उसे ड्राई पैकिंग करते हैं, उसको पैक करने के लिए। अगर उस सिलिका को इस मोबाइल फेज के साथ में पहले मिक्स करके थोड़ी देर उसको रखते हैं और उसके बाद में उसमें इस कॉलम की पैकिंग करते हैं, कॉलम को भरते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेट। वेट यानी क्या है, गीला। तो वेट पैकिंग और ड्राई पैकिंग दो हो सकती हैं। अब जब हमें इस कॉलम की पैकिंग करनी होती है तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ी सी सेंड भरते हैं। और ये सेंड क्या होती है, जैसे रेडीमेड मिल जाती है ये, और ये एसिड वॉश्ड होती है, एसिड से वॉश की हुई सेंड होती है। इसको हम यहाँ पे पहले फिल करते हैं। उसके बाद जैसे हमने सिलिका लिया, उस सिलिका को हमने इसके ऊपर भर देंगे, ये यहाँ क्या आ जाएगा, सिलिका। पर हमें इसकी पैकिंग करते हुए ध्यान रखना है कि कोई भी बबल ना आ जाए, इसमें अच्छे से इसकी पैकिंग करनी होती है। और यहाँ लास्ट में फिर से हम क्या डालते हैं, सैंड डाल देते हैं, ताकि ये बीच में इसकी सिलिका की एक यूनिफॉर्म लेयर हो, एक अच्छे से पैकिंग हो, ना इसमें बबल आए। तो दोनों साइड में क्या डालते हैं, सैंड डाल देते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर हम कॉटन प्लग लगाते हैं, कॉटन लेके लगाते हैं यहाँ पे।
वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके बाद हमें मान लो यहाँ से इल्यूशन के थ्रू इल्यूट आउट, जो भी हमारा कंपोनेंट्स इल्यूट आउट यहाँ पे होंगे, तो उस टाइम अगर यहाँ पे कॉटन नहीं होगा तो जो भी हम सैंपल लोड करेंगे वो पूरा का पूरा एक साथ नीचे आ जाएगा इसमें, इसलिए यहाँ हम क्या लगाते थे? कॉटन। लेकिन ये कॉटन हमें प्रॉपर वे में लगानी है, ना बहुत ज़्यादा लगाते हैं और ना बहुत कम। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ कॉटन लगा देंगे हम, तो यहाँ से जो भी हमारा मिक्सचर है वो आएगा तो वो इल्यूट आउट नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ होगा तो ब्लॉक कर देगा इसको। अगर ये कॉटन बहुत कम ले लेंगे तो वो जल्दी से सारा नीचे आ जाएगा, तो इसको हमें प्रॉपर वे में यूज करना होता है। अब हम सिलिका को स्टेशनरी फेज ले लिया है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या है? सिलिका। ये सिलिका है वो पोलर नेचर की होती है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है। अब हम जो मोबाइल फेज इसके लिए लेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन लेंगे, वो किस नेचर का होना चाहिए? वो पोलर नेचर का नहीं होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। अगर वो पोलर नेचर का हम ले लेंगे तो पोलरिटी के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे जब इनका प्यूरिफिकेशन होता है मिक्सर से कंपोनेंट्स का, वो साइज के बेसिस पे भी कर सकते हैं, पोलरिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो अगर हमने सिलिका लिया है और ये पोलर है, पोलर नेचर का है, और अगर हमारी मोबाइल फेज भी पोलर नेचर की होगी, तो पोलर पोलर एक साथ होके उनके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे और वो नीचे सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, जो हमारी मोबाइल फेज है उसको नॉन पोलर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मोबाइल फेज डाल दी, और फिर हम जब इसमें मिक्सर डालेंगे, मिक्सर लोड करेंगे, सैंपल को लोड करेंगे, तो यहाँ पे जो ज्यादा हाई पोलर होंगे वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, जैसे ऊपर ही सेपरेट हो जाएंगे, और जो लेस पोलर होंगे वो कहाँ सेपरेट होंगे? नीचे। मिक्सर के कंपोनेंट हाई पोलर ऊपर सेपरेट हो जाएंगे और जो लेस पोलर हैं वो नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा सिलिका पोलर नेचर का है और हमारी जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर है, और उसके बाद जो मिक्सर में जो कंपोनेंट्स हैं वो पोलर वाले पहले, क्योंकि सिलिका स्टेशनरी फेज पोलर है, तो पोलर पोलर के बीच में अट्रैक्शन होके बॉन्डिंग हो जाएगी और जो लेस पोलर हैं वो नीचे सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इल्यूशन होना है यहाँ पे, हमारे जो भी मिक्सर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको प्यूरिफाई करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इल्यूशन करना होगा इनका। तो इल्यूशन के लिए दो टाइप के सॉल्यूशन लेते हैं, एक होता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन और दूसरे टाइप का इल्यूशन होता है ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन क्या होता है, जब हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है वो एक जैसा ही होता है, एक ही होता है, सिंगल होता है, तब उसको कहते हैं हम आइसोक्रेटिक इल्यूशन, क्योंकि उसमें उसकी कंसंट्रेशन, अगर वो सिंगल सॉल्वेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। तो उसको अगर हम डालेंगे तो हमारा जो भी ये कंपोनेंट्स हैं उसके साथ उनकी बॉन्डिंग होकर वो उसको क्या कर देगा, इल्यूट आउट कर देगा। लेकिन दूसरा है ग्रेडियंट इल्यूशन, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा मोबाइल फेज है उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं हम, पहले लेस पोलरिटी वाला या लेस कंसंट्रेशन वाला मोबाइल फेज लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो लेस पोलर हैं वो हमारे जो भी कंपोनेंट हैं वो इल्यूट आउट हो जाएंगे, और जिन जो ज़्यादा पोलर हैं उनकी बॉन्डिंग क्या है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो इल्यूट आउट नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले लो कंसंट्रेशन ली, फिर हाई कंसंट्रेशन ली, मतलब उसका क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के। इस प्रकार से जो इल्यूशन करते हैं उसे हम कहते हैं
ग्रेडियंट इल्यूशन। इल्यूशन करने के बाद में जो भी मिक्सर है उसका एनालिसिस करना होता है। अगर ये हमारे कंपोनेंट्स अगर न्यूक्लिक एसिड हैं तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए आगे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। और अगर कोई अदर केमिकल कंपाउंड है तो इसका एनालिसिस हम TLC से भी कर सकते हैं। तो ये है कोलम क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।